अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वाई एस एक्स लाइट ऐप पे अगर आपको भी कैमरा कनेक्ट करने में मसला आ रहा है, आपके भी कैमरा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, सो आज की वीडियो आपके ही लिए है। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम तर प्रोसेस समझाया जाएगा कि कैसे आप अपने घर बैठे ऑनलाइन ऐप के ज़रिए कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं, इस ऐप से आप बहुत से डिफरेंट कैमरास को कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लाइव वीडियोस आप इस ऐप के ज़रिए चला सकते हैं। सो वो कौन कौन से कैमरास हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आपने इस ऐप के मदद से कंट्रोल करने हैं, कनेक्ट करने हैं, ये तमाम तर प्रॉब्लम आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। सो वीडियो में आगे जाने से पहले कर लीजिए, आबिद कुरैशी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो व्यूअर, सबसे पहले आपने लोकेशन को ऑन कर लेना है। यू नीड टू टर्न ऑन द लोकेशन ऑन योर मोबाइल फ़ोन। सो सिंपली इसे आपने ओपन कर लेना है। मैंने लोकेशन ऑन कर ली है। सबसे पहले हमने लोकेशन ऑन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का वाई एस एक्स लाइट का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि अभी आपके पास बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो जब आप कनेक्ट करने शुरू करेंगे तो उसके लिए जो मेन चीज़ है वो आपको लोकेशन आपके ने अपनी ऐप की ऑन कर लेनी है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन की मदद से ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपने दूसरा जो स्टेप है वो कैसे आपने फॉलो करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाना है, यहाँ पे आपको वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपने ऑन करने से पहले, अगर चाहे आपके पास डेटा अगर आपका ऑन है तो आपने उसको ऑफ कर लेना। अगर आप अपने डेटा को ऑन करेंगे देन आप अपने वाईफाई को ऑन करेंगे तो आपके पास ये जो वाई एस एक्स लाइट ऐप है ये बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होने वाली, ये बात आपने जहन में रख लेनी है। आपने सिंपली अपने डेटाज वगैरह को ऑफ रखना है एंड अपनी लोकेशन को ऑन रखना है, देन आपने अपनी वाईफाई को ऑन करना है। सो सिंपलीफाई वाईफाई को ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास वाईफाई का वो वाला नाम आ जाएगा जो कि आपका कैमरा या बल्ब कैमरा है या फिर A9 का मिनी कैमरा है या कोई भी कैमरा आप इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं वाई एस एक्स लाइट ऐप के साथ, तो उस कैमरा का वाईफाई आपके पास आ जाएगा। अगर चाहे आपके पास वाईफाई नहीं आ रहा कैमरा का, तो आपने क्या करना है कि आपने कैमरा का पावर बटन को ऑन कर लेना। अगर चाहे उसकी बैटरी नहीं है तो आपने चार्ज करके पावर बटन को ऑन कर लेना है। ठीक है, तो ऑन करने के साथ ही आपके पास उस कैमरा का वाईफाई यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सिंपलीफाई आपने उस पर क्लिक कर लेना है तो आपके पास वो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्लिक होने के बाद वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, आपको मजीद उसके ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, ये बात आपने गौर से समझ लेनी है। तो सो हमारा ये स्टेप हो गया कम्प्लीट। जब आप वहाँ से वाईफाई उस कैमरा का कनेक्ट कर लेंगे उस पर क्लिक करके, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास लाइव वीडियो जो है उस कैमरा की स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। सो वो स्टार्ट होने के बाद आप इसके मजीद आपके पास कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्ले के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइव वीडियो प्ले हो जाएगी, एंड कार्ड पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर उस कैमरा के अंदर जो भी कार्ड का डाटा होगा आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। तो वीडियो पे क्लिक करेंगे आप वीडियो देख सकते हैं, एंड फोटोज़ पे क्लिक करें जो आपने वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर किए होंगे, जिनको आप कैप्चर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको फ़ोटो के अंदर डेटा में आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ तक बात हो चुकी क्लियर। इसके बाद आप अलार्म सेटिंग भी लगा सकते हैं, और सेटिंग इसके अंदर और भी इसमें बहुत सी ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक बात हमारी हो चुकी क्लियर कि आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कैमरा कनेक्ट करने का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसी टाइम कमेंट के अंदर उसका जवाब मिल जाएगा। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड आबिद कुरैशी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिएगा अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।